नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, बीते 35 से 40 सालों में वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, असर भारत के ऊपर देखा गया है हर मामले में। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें विश्व के मुकाबले पे खड़ा होना है, अपने देश को वर्ल्ड लेवल के ऊपर लेके आना है, तो जैसा जैसा स्टैंडर्ड है, जैसा वर्ल्ड में हो गया है, तो उसके जैसी बातों को अपनाना पड़ेगा। परंतु यहाँ थोड़ा सा एक मुद्दा व्यक्ति की बुद्धि विवेक का भी आता है कि व्यक्ति उन चीज़ों को देखे, उनका विश्लेषण करे, उसके बाद उस चीज़ को अपनाए। क्योंकि देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ देखी एज इट इज अपना ली। कुछ अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए सभी को। तो जैसे कि हमारा हेल्थ चैनल है, हम बाहर की हट की बातें नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा हेल्थ चैनल है, तो मैं बात हेल्थ से रिगार्डिंग ही करूँगा। तो हेल्थ से रिगार्डिंग बात है, एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे हेल्थ से बहुत बड़ा संबंध रखती है, वो है वेस्टर्न टॉयलेट शीट। दोस्तों, क्या क्या है वेस्टर्न टॉयलेट शीट के फायदे नुकसान, छोटे शब्दों में आज बात करते हैं। दोस्तों, आजकल विश्व में सबसे ज्यादा फिजिकल समस्याएं हैं वो पेट से संबंधित है। और ये बात बड़े बुजुर्गों ने कही है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी कि सारी बीमारियों का जन्म पेट से ही होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। और इसकी शुरुआत आपकी सुबह से ही हो जाती है, परंतु अगर सुबह शुरुआत में ही गलतियां हो तो हेल्थ का ठीक रह पाना एक नामुमकिन बात हो जाती है। तो जो हमारा इंडियन टॉयलेट है, देसी शीट है, उसके ऊपर जब हम बैठते हैं उकड़ो अवस्था में, उससे हमारे पेट पे जो अंदर छोटियां तो बड़ी आता है, उनके ऊपर घुटने से दबाव पड़ता है, जिससे कि पेट अच्छे तरीके से साफ होता है। जितना मल जितनी टॉयलेट फड़ियात में है वो बाहर निकल जाती है। परंतु इस वेस्टर्न टॉयलेट शीट में ऐसा नहीं है। इसके ऊपर व्यक्ति बैठता है बहुत ही आरामदायक स्थिति में, किसी भी तरह का प्रेशर आंत के ऊपर नहीं पड़ता, और उसके परिणाम स्वरूप पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता। यही हमारा पहला पॉइंट है। पेट साफ ना होने की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्ज, और कब्ज की वजह से ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। उसमें सबसे पहले जो बीमारी दिखाई देती है वो है बवासीर की, यानी कि पाइल्स की। और पाइल्स के इतने बड़े स्टेजेस हैं क्या वो सब यहाँ जिक्र नहीं करने। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वेस्टर्न टॉयलेट शीट का। दूसरा, इन्फेक्शन का खतरा। अब जब भी हम किसी भी वेस्टर्न टॉयलेट शीट के ऊपर बैठते हैं, तो घुटने से लेकर जांघों तक, हिप्स तक, ये पूरा हिस्सा शीट के टच में रहता है। अब उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस तो होने लाजमी है, कट नहीं सकती है बात, बिल्कुल सकते हैं। तो वो सारे स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कपड़े भी शीट के साथ टच में आते हैं, और जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां स्किन की जन्म लेती हैं और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप सर्च कीजिएगा, ये बाद में भी आपको पूरी तरीके से सच मिलेगी। तीसरा पॉइंट, इसका जो फ्रेशर होता है, जितना मर्जी उम्दा क्वालिटी का हो, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, परंतु वो उतनी अच्छे तरीके से सफाई नहीं कर पाता। आप प्रैक्टिकल कीजिएगा मेरी बात का, अच्छे से अच्छे फ्रेशर से साफ होने के बाद आप नॉर्मल शीट के ऊपर जाइए, वहाँ से पानी से एनस को यानी कि गुदा मार्ग को साफ करके देखिएगा उंगली से, आपके हाथ में कुछ ना कुछ मल, ये टॉयलेट कहते हैं, वो आपके हाथ में जरूर आ जाएगा। वो बचा हुआ थोड़ा सा इतना इन्फेक्शन पैदा कर सकता है फ्यूचर में जाके कि व्यक्ति दुखी हो जाएगा। ओके, चौथा पॉइंट,
ये शीट है वेस्टर्न, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा जितना मर्जी आप कर लीजिए पानी का ही करेगा, जिसके कारण व्यक्ति अपना मल जिस टॉयलेट कहते हैं उसको देख नहीं पाता। उसको देखना बहुत ज़रूरी है वो किस टाइप का है, क्योंकि सिर्फ मल की अवस्था को देख के व्यक्ति की शारीरिक अवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर मल केले की तरह बंधा हुआ आ रहा है तो उसकी अवस्था काफ़ी हद तक ठीक कही जा सकती है। अगर शत विशत आ गया, टुकड़ों में आ गया, बहुत टाइट अवस्था में आ गया, छोटे छोटे पीस निकल गए हैं या लूज मोशन टाइप आ गया, तो समझ लीजिए पेट की हालत बिगड़ गई, तो उस कंडीशन में इलाज की जरूरत होती है। परंतु जब व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा कि उसका टॉयलेट आया किस टाइप का है, क्योंकि पानी भरा होता है, पानी में डूब गया, ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस चैनल के ऊपर पड़े हैं, कभी मेरा मौका लगा तो मैं भी आप लोगों को इसके बारे में जितनी हो सकेगी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी मेरे पास है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अब सुबह सुबह जैसे उठे नींद में हैं या छोटे बच्चे हैं, बड़े भी नींद में होते हैं आधे तो छोटी नींद होती है, या फिर कोई व्यक्ति बीमार है उसके शरीर में वीकनेस है, जाके इस टॉयलेट के ऊपर बैठ गया, स्टैंडिंग टॉयलेट है, रिलीफ तो आरामदायक स्थिति तो रहती है, परंतु नींद की खुमारी में या कमजोरी में व्यक्ति गिर भी सकता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा गिर भी सकता है, और गिरने पे चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ओके, छठा पॉइंट, इस शीट में हमारी इंडियन शीट के मुकाबले पानी की लागत 6 गुना से भी ज़्यादा होती है। मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल किया इस चीज़ का, तो देखिए एक तरफ तो हम कहते हैं सेव वाटर और दूसरी तरफ इतना इतना पानी उसमें डाल रहे हैं, इट्स नॉट ओके, ठीक है दोस्तों। ये कुछ एक पॉइंट्स थे बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आज आप लोगों को बताए। तो यदि स्वस्थ रहने की इच्छा है तो इस शीट को, मैं ये नहीं कहता मत लगवाइए, लगाइए, परंतु बहुत ही मजबूरी में इस शीट का इस्तेमाल करें, नहीं तो हमेशा अपनी इंडियन टॉयलेट जो है उसी को यूज़ करें, उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमेशा फ़ायदे ही फायदे हैं, वो सारे के सारे आपको मैंने बताए हैं वो मिलेंगे दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी फ्रेंड्स नियर्स डियर्स उनको चाहे बाय माउथ बताइए, चाहे ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और उनको स्पेशल कहिए कि इस इन्फॉर्मेशन को देखिए, क्योंकि ये बहुत तजुर्बे वाली इन्फॉर्मेशन है, और इसको पर्सनली जरूर यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना तो ये परम आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।